हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 36 प्राकार ब्लाउज सिलाई करके दिखाऊंगी। ये मैं पिछले वीडियो में काट किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने अस्तर और फैब्रिक को एक ही साथ में अटैच कर लिया है। तो चलिए अभी हम इसको किस तरीके से सिलाई करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख लेती है। तो फ्रेंड्स, छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अभी भी चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक पर सिलाई करूँगी। तो इसके लिए मैं अलग से नेकपुटी सिलाई नहीं करूँगी, फैब्रिक और अस्तर को एक ही साथ में सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए फैब्रिक को कैसे रखना है। फैब्रिक को मैं सीधे साइड की तरफ से रखूँगी, उसके बाद देखिए यहाँ पर अस्तर को इसके ऊपर में इस तरीके से रखूँगी। तो जैसे कि देखिए अस्तर और फैब्रिक को हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से बराबर मिलाकर लेना है। बिल्कुल देखिए जैसे कि नेकपुटी सिलाई नहीं करना है, तो यहाँ पर देखिए फैब्रिक को किस तरीके से लेना है। मैंने यहाँ पर अस्तर को जिस साइड में फैब्रिक सीधा साइड है उसी साइड की तरफ से पिसा कर रखा है। तो यहाँ से देखिए हम हाफ इंच लेकर सिलाई करूँगे। यहाँ पर देखिए पूरा घुमाकर हम सिलाई कर लूँगे। अगर बाद में यहाँ पर सिलाई ठीक नहीं होने से फिर से थोड़ा सा यहाँ पर सिलाई लगाऊँगी। तो ये देखिए सिलाई इस तरीके से करना है। तो फिर देखिए यहाँ पर सिलाई पूरा पूरी बराबर है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नेक को छोटा छोटा काट लगा रही हूँ। अगर जहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होने से फिर से वहाँ पर सिलाई करके मिला लेना है। तो अभी देखिए पलटने से पहले हम अस्तर की साइड की तरफ से फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाऊंगी। जैसे कि यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि ब्लाउज में और कामिज में फिनिशिंग का सिलाई बहुत ही ज़रूरी है हर सिलाई में। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने फिनिशिंग की सिलाई कर लिया है। तो अभी देखिए इसको मैं सीधा साइड की तरफ से पलट लूँगी। ये देखिए मैंने सीधा साइड की तरफ से ले लिया है। यहाँ से देखिए इसमें चाहो तो आप आयरन करके भी ले सकती हो। यहाँ से देखिए इस तरीके से मिलाने के बाद यहाँ पर कमर के साइड की तरफ से हम बराबर सिलाई करूँगे, जैसे कि अस्तर और फैब्रिक एक ही साथ में रहो, इसीलिए हम यहाँ पर कमर में एक सीधा सिलाई कर रही हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर डार्क सिलाई करूँगी। जिस टाइम में मैंने कटिंग किया है उस टाइम में थोड़ा सा निशाना देकर रखा है, उसी को मैंने टू फुल करके यहाँ पर हाफ इंच लेकर सिलाई किया है और उठाया है 5.5 इंच तक। आप इसको देखिए जितना इंच तक उठाना है आप अपने हिसाब से उठा सकती हो। तो यहाँ से भी देखिए टू फोल्डिंग में हाफ इंच लेकर यहाँ पर सिलाई करूँगी 5.5 इंच तक उठाकर। तो ये देखिए दोनों साइड की तरफ से टैक्स दे दिया है। अभी देखिए आर्मोल से भी पूरा घुमाकर एक सिलाई कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही साथ में अस्तर फैब्रिक को यहाँ पर अटैच कर लूँगी इस तरीके से। तो दोनों साइड की तरफ से इस तरीके से मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तो अभी देखिए यहाँ से सिलाई करूंगी कमरपट्टी। कमरपट्टी को पहले इस तरीके से किनारे से हाफ इंच लेकर फोल्डिंग करके सिलाई करूंगी, क्योंकि कमरपट्टी को सिलाई करने के बाद यहाँ पर फोल्डिंग सिलाई करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसलिए पहले इसको कमरपट्टी को फोल्डिंग करके सिलाई कर लेने से ठीक है। तो चलिए अभी हम कमर में अटैच करूंगी। यहाँ से हम हाफ इंच लेकर सिलाई करूंगी और यहाँ पर देखिए कमर में जैसे कि मिडल में जाने के बाद यहाँ पर छोटा सा प्लेट डालूंगी। यहाँ पर प्लेट डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कमरपट्टी को उल्टा साइड की तरफ से जब हम पलट लेंगे तो इसमें कपड़ा खिंचाव आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर छोटा सा प्लेट डालकर सिलाई करना है। तो यहाँ पर कमरपट्टी सिलाई कर लिए है। अभी देखिए फिनिशिंग के लिए सिलाई कमरपट्टी के साइड की तरफ से ही लगाना है। तो बैक पार्ट की सिलाई पूरा पूरी कंप्लीट है। अभी हम फ्रंट पार्ट सिलाई करूंगी। तो फ्रंट पार्ट में देखिए सबसे पहले हम कतरी के पार्ट को इस तरीके से मिलाकर लूंगी। यहाँ से देखिए हम सिलाई करूंगी। सिलाई देखिए हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर सिलाई करूंगी। और यहाँ पर देखिए सिलाई बिल्कुल डबल होना चाहिए दोनों पार्ट को। इस तरीके से डबल सिलाई करने के बाद साइड की तरफ से एक पीको कर दूंगी। तो अभी देखिए कतरी का टैक्स सिलाई करना है। यहाँ पर देखिए इसको बराबर लेना है। बराबर लेने के बाद यहाँ से देखिए 1 इंच तक मैं इसका टैक्स लगाऊंगी और ऊपर की साइड की तरफ से हाफ इंच छोड़ दूंगी सिलाई में। तो यहाँ पर देखिए 1 इंच मैंने यहाँ पर टैक्स का निशाना दे दिया है, उसी निशाना के हिसाब से सिलाई करूँगी और ऊपर की साइड की तरफ से हाफ इंच छोड़ दूंगी। तो दोनों पार्ट को देखिए इस तरीके से मैंने बराबर करके सिलाई कर लूँगी। तो
यहाँ पर देखिए दोनों कातर का टैग सिलाई कर लिया है और इसका शेप देखिए बहुत अच्छे से आया है। अभी हम फ्रंट साइड का आर्महोल का पार्ट सिलाई करूँगी। ये देखिए इसको इस तरीके से सीधा साइड की तरफ से मिलाकर लेना है और यहाँ से हम हाफ इंच लेकर सिलाई करूँगी। इसमें भी देखिए सिलाई बिल्कुल डबल सिलाई होना चाहिए और साइड से भी एक पीको कर लूँगी। दोनों साइड के कतरे के पास सिलाई कंप्लीट है। अभी देखिए यहाँ पर युग पट्टी के लिए मेजरमेंट लूँगी। यहाँ से लूँगी मैं 1 इंच और मिडल से लूँगी 3 इंच लूँगी 3 इंच और साइड से देखिए 2 इंच से हम 3 छोर ज़्यादा रखूँगी और इस तरीके से इसको मिलाऊँगी। तो अभी देखिए यहाँ से युग पट्टी को हम इस तरीके से फोल्डिंग करूँगी, जैसे कि 1.5 इंच से अंदर की तरफ से फोल्ड करूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक होने से 1 इंच भी फोल्डिंग कर सकती हो और यहाँ से इस तरीके से हम सिलाई करूँगी। इस सिलाई को देखिए बहुत ध्यान में सिलाई करना है और कपड़ा को बिल्कुल खींचना नहीं है, तो इस तरीके से धीरे धीरे से सिलाई करना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 छोर नहीं तो 3 छोर का लगभग और एक सिलाई लगाऊंगी। ये सिर्फ फ्रंट साइड का कमर का बेल्ट के साइड की तरफ से ही सिलाई करना है, 2 सिलाई इस तरीके से। तो यहाँ से भी देखिए सेम तरीके से यहाँ पर मैंने 1 इंच में निशाना लगाऊंगी और यहाँ से 3 इंच और यहाँ से 2 सूट से थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी, जैसे कि जिस साइड में उस तरह लिया है ठीक यहाँ भी उसी तरीके से लूँगी। तो सेम तरीके से यहाँ से भी देखिए 5 इंच तक रखूँगी। दोनों साइड की तरफ से इस तरीके से बराबर लेकर सिलाई करना है। तो यहाँ से भी देखिए 1.5 इंच से अंदर की तरफ से मैंने युग पट्टी को फोल्डिंग किया है और यहाँ से सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पर कातरी को सिलाई करने के बाद अभी यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मिला है मैंने इसको काट कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पर हुक पट्टी सिलाई करूँगी। ये हुक पट्टी देखिए जिस साइड में हम हुक का घर बनाऊँगे उसी साइड की तरफ से इस तरीके से उल्टा साइड की तरफ से रखूँगी और यहाँ से देखिए 1/2 इंच लेकर सिलाई करूँगी। इसको मैं देखिए सीधा साइड की तरफ से पलट लूँगी। तो अभी देखिए फिनिशिंग के लिए सिलाई दूँगी हुक पट्टी की साइड की तरफ से। तो फिर देखिए इसको सीधा साइड की तरफ से हम पलट लूँगी। तो देखिए सीधा साइड की तरफ से किस तरीके से पलटना है, ये देखिए यहाँ से मैं इस तरीके से फोल्डिंग करूँगी और यहाँ से और एक फोल्डिंग करूँगी। तो यहाँ पर देखिए जितना तक मैंने यहाँ पर सिलाई किया है उसी का बराबर यहाँ पर फोल्डिंग कर यहाँ से मिलाकर सिलाई करूँगी। फिर यहाँ से देखिए 1/2 इंच का लगभग और एक सिलाई करना है, क्योंकि यहाँ पर हुक का घर बनाना है तो हुक का घर जैसे कि सीरियल बाय सीरियल रहे तो इसलिए यहाँ से और 1/2 इंच का सिलाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो
अभी देखिए दूसरा साइड की तरफ से भी यहाँ पर हुक पुट्टी को इस तरीके से फोल्डिंग करके सिलाई करूँगी। इसको देखिए ब्लाउज में अटैच करने से पहले फोल्डिंग करके सिलाई करना ठीक है, बाद में सिलाई करना थोड़ा दिक्कत होता है। तो अभी देखिए इसको सीधा साइड की तरफ से सिलाई करूँगी, जिस साइड में हम हुक सिलाई करना है उसी साइड की तरफ से। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल कतरे को जो मैंने ज्वाइन किया है उसी में उसी का बीच में यहाँ पर छोटा सा प्लेट डाल दिया है। यहाँ पर इस प्लेट को डालना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो इसको सीधा साइड की तरफ से जब पला देगा तो इसमें कपड़ा खिंचाव आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से मैंने फिनिशिंग के लिए सिलाई दे दिया है, अभी इसको उल्टा साइड की तरफ से पलट लूँगी इस तरीके से। तो यहाँ से मैं कच्चे सिलाई लगा दूँगी, हुक सिलाई करने के बाद इस सिलाई को बिल्कुल खोल देना है। तो ये देखिए सिलाई कर लिया है, अभी देखिए हम यहाँ से नेक पुट्टी सिलाई करूँगी। तो नेक पुट्टी को मैंने सीधा काट किया है, तो यहाँ से मैंने दो फ्लैट छोटा छोटा डाल दूँगी। जैसे कि यहाँ पर सीधा काट करने से दो प्लेट डालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर प्लेट नहीं डालने से उल्टा साइड की तरफ से पलटने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसमें से हम ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखूँगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको काट कर लूँगी, सिर्फ हम हाफ इंच का लगभग रखूँगी नेक पुट्टी में। उसके बाद देखिए यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को ज्वाइन कर लूँगी। यहाँ से इस तरीके से जहाँ से मैंने नेक पुट्टी सिलाई किया है वहाँ से बराबर बैक पार्ट को रखूँगी और हम यहाँ से सिलाई लगा लूँगी। दोनों साइड की तरफ से इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। तो ज्वाइन करने के बाद देखिए अभी क्या करना है, अभी यहाँ से हम स्लिप सिलाई करूँगी। तो स्लिप को सिलाई करने के लिए यहाँ पर देखिए स्लिप को मिडल बराबर मिलाकर ले लूँगी। तो हमेशा एक बार ध्यान में रखना है, जैसे कि हम बैक साइड की तरफ से नेक पुट्टी सिलाई नहीं कर रहे तो इसके लिए क्या करना है देखिए। ये देखिए फ्रंट साइड की तरफ से तो नेक पुट्टी है, तो यहाँ पर देखिए बैक साइड की तरफ से नहीं है, तो इसको देखिए फ्रंट साइड की तरफ से ही रखना है। जो मैंने यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन किया है इसको फ्रंट साइड की तरफ से रखना है और यहाँ से देखिए स्लीव को इस तरीके से मिडल बराबर मिलाकर लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड की तरफ से स्लिप पूरा पूरी सिलाई कंप्लीट है, अभी दूसरा साइड की तरफ से भी स्लिप को ठीक उसी तरीके से सिलाई करूँगी यहाँ से बराबर मिडल मिलाकर।
तो यहाँ से देखिए इस तरीके से हम सिलाई करूँगे। अभी दूसरा साइड को भी यहाँ से मिलाकर सिलाई करूँगी और यहाँ से भी देखिए सेम तरीके से डबल सिलाई होगा और साइड चेक भी को होगा। तो स्लीव को सिलाई करने के बाद अभी देखिए साइड से हम इस तरीके से मिलाकर यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। इसके लिए मैं कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया है। इस तरीके से सिलाई करने से क्या होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, इस तरीके से सिलाई करने से हम कभी भी ब्लाउज को छोटा बड़ा करने में बहुत ही आसान होता है और पहले से इसको फिटिंग्स कर सिलाई करने से बाद में इसको बड़ा करने में बहुत ही दिक्कत होता है। तो उस टाइम पर क्या करना होता है, हम पूरा सिलाई खोलना पड़ता है। तो इस तरीके से पहले साइड से मिलाकर सिलाई करने से बाद में हम यहाँ पर बड़ा करने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है, लेकिन छोटा तो आसानी से कर सकते हैं लेकिन बड़ा करने में दिक्कत होगा। तो अभी यहाँ पर मैं जिस तरीके से सिलाई दिखा रही हूँ उसी तरीके से सिलाई करने से बाद में बड़ा करने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए जो भी साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलता है इसको इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लिया है। तो अभी देखिए यहाँ पर जुगपट्टी को इस तरीके से फोल्डिंग करके सिलाई करूँगी और यहाँ से देखिए मैंने कितना इंच तक लिया है, मैं यहाँ से 7.5 इंच तक लिया है। तो आप अपने हिसाब से लेना है, आप इसको थोड़ा लंबा ज़्यादा रखना है तो लंबा भी ज़्यादा रख सकती हो। और इस तरीके से कमर पोटी को भी फोल्डिंग करके यहाँ पर कच्चा सिलाई लगा लूँगी। तो ये कच्चा सिलाई को हम हाथ से जब तुरपाई करेगा उस टाइम में हम इस सिलाई को खोल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए हुक पोटी का लंबाई देखिए, एक साइड में जितना इंच तक है दूसरा साइड में भी उतना इंच रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने हुक पोटी को मेजरमेंट लेकर सिलाई कर लिया है। अभी देखिए यहाँ से मैंने फिटिंग्स का नाप ले लिया है, जैसे कि यह 36 साइज है, मैं यहाँ पर 36 साइज के हिसाब से ही फिटिंग्स करूँगी। तो फिटिंग्स हमेशा बैक साइड की तरफ से ही लेना है, फ्रंट साइड की तरफ से नहीं लेना है। तो फिटिंग्स करने के बाद ऐसा देखा जाएगा जैसे कि बैक साइड से फ्रंट साइड की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक होगा, तो उसमें से कोई दिक्कत नहीं होता है। ब्रैकेट ब्लाउज में हमेशा ऐसा ही रहता है। तो दोनों साइड की तरफ से 36 साइज के हिसाब से यहाँ पर मैंने मेजरमेंट कर रही हूँ। यहाँ पर एक फिटिंग्स करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर हाफ इंच का लगभग और एक फिटिंग्स करना है, क्योंकि छोटा बड़ा होने से यहाँ पर इसको खुल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिलाई पूरा पूरी कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। तो ये देखिए सिलाई पूरा पूरी कंप्लीट है। थैंक यू।